मैंने घोड़ों को कोई मुकाम नहीं दिलाया, घोड़ों ने मुझे मुकाम दिलाया। मेरी ज़िंदगी एक छोटी सी दुकान में सिमटी थी, मुझे उससे बाहर निकाला है। तो इस मूवी का सबसे बड़ा हीरो घोड़ा। मैदानी जंग में एक योद्धा का सबसे बड़ा अस्त्र घोड़ा माना जाता है, और आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में भी किसी गाड़ी की पावर नापने के लिए हॉर्स पावर यूनिट यूज की जाती है। आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने भारत के देसी घोड़े का मूल इंटरनेशनल मार्केट में यहां से यहां कर दिया। मनु शर्मा। मनु शर्मा जी, आप अपने थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से हूं जी, गांव से मेरी बैकग्राउंड है। तो पंजाब के जो हिंदू हैं, गांव में रहते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। मान लो हम लोग भी थोड़े देसी रहते हैं, सिटी वाले जो ब्राह्मण होते हैं उस टाइप के हिंदू हम लोग नहीं रहते। मेरी बैकग्राउंड में गांव था, खेती थी, गाय भैंस थी, मगर कभी भी उसमें घोड़ा नहीं था। एंड आई वाज अराउंड 30 इयर्स ओल्ड जब पहली बार मेरी ज़िंदगी में घोड़ा आया। और कहा जाता है कि एक बार आपकी रीढ़ की हड्डी घोड़े की रीढ़ की हड्डी के साथ घिस गई तो फिर आप उसके जादू से कभी दूर नहीं जा सकते। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे गाँव में मेरे दोस्त ने मुझे एक राइड दी, उस राइड ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। फिर उसके बाद तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आज तक मैं घोड़े पे ही हूँ। उस दिन के बाद मान लो मैं कभी घोड़े से उतरा ही नहीं। अच्छा मनु शर्मा जी, जैसे आपका पहले कारोबार कुछ और था और आप घोड़ों से प्रभावित होकर इस कारोबार में बाद में आए, तो पहले आपका कारोबार क्या था? मेरे डैड स्कूल टीचर हैं जी, और टीचर्स की एक हमेशा से सिक्योरिटी रहती है कि उनका बेटा कोई सरकारी जॉब कर ले। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने डी फार्मेसी मेरे घर वालों ने कराई। तो मैंने कुछ समय तक केमिस्ट शॉप भी खोली, फिर मगर घोड़ों के शौक ने टोटली उसको डिफरेंट मुझे ट्रैक पे ले गया घोड़ों का शौक। आप दुकान भी बंद की और अपनी जो ज़िंदगी है वह होल टाइमर बन गया घोड़ों में। आप कितने साल के थे जब आप इस कारोबार में आए? मुझे जब शौक लगा तो मैं 30 साल का था, मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद अभी मैं हूँ तकरीबन 48 का, बस तब से चल रहा है ये सिलसिला। कारोबार तो बहुत बाद में हुआ, जब मुझे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मेंटोर, मैं उनको बोलूँगा परम गिल, मिले। व्यापार की शक्ल में तब आया मैं 2010। तो जैसे घोड़ा पालना एक रहीसी शौक माना जाता है, और मनु शर्मा जी आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप दर्शकों को बताइए। कहा जाता है जी, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, और गुरबाणी में भी कहा गया है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो आप इच्छा करो अच्छी चीज़ की, हो सकता है कि रब आपको ना दे, ये कभी हो ही नहीं सकता। मांगने का तरीका और मेहनत होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्ट्रगल है, स्ट्रगल भी कुछ नहीं होती अगर आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है, तो कोई स्ट्रगल नहीं होती। तो अभी आपके स्टड फार्म में कितने घोड़े हैं? एक्चुअली मैं और परम गिल जी काम कर रहे हैं 2010 से। उनका स्टड फार्म है परम गिल स्टड के नाम से, छीनीवाल कलां बरनाला में। वहाँ पे होंगे इस समय 9 घोड़े। अब हम दोनों ने ये एक नया सेटअप शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास घोड़ों के लिए जगह कम थी। इसका नाम है लॉन्ग राइडर्स रेंच। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी 4-5 घोड़े हैं यहाँ पे, 5 घोड़े। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिससे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शख्स काफ़ी प्रभावित होता है, तो घोड़ा पालना इसमें क्या दिक्कतें आपको शुरुआत में आई, और अभी अगर कोई घोड़ा पालना चाहे तो आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक्चुअली दिक्कतें सारी दूर हो सकती है जब आपको शौक है, अदरवाइज तो जिसको शौक नहीं है उसको तो घोड़े के पास भी नहीं जाना चाहिए, उसको वो लात मार सकता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि घोड़े से कैसे डील करना है। दिक्कतें कुछ खास नहीं है जी,
ऐसा है जिसके पास ज़मीन जायदाद है ही नहीं, वो घोड़े को लाएगा तो कैसे लाएगा, रखेगा तो कहाँ रखेगा, फिर उसकी अगर कोई दुकान है या कोई वो जॉब करता है तो घोड़े के लिए टाइम कहाँ से निकालेगा। घोड़ा कुत्ता ये पक्षी पालना ये सब हॉबीज रईस लोगों की है या किसानों की है जिनके पास अपने काम के बोझ के बाद कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वो लोगों ने घोड़े रखे, अपने सहायक धंधे की तरह रखे, कुत्ते पाले, चिड़िया पाली। एक आदमी जो 9 से 5 की जॉब करता है फिर घर आता है, उन लोगों के लिए ये हॉबीज़ बिल्कुल भी नहीं बनी है, उनको इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अपने छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको घोड़ों से दूर रखें। बात ये नहीं कि ये एक बुरी हॉबी है, ये बुरी इस मायने में है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार आप घोड़े के जादू में उसके दायरे में आ गए तो वो अपने दायरे से आपको बाहर नहीं निकलने देगा, 24 आवर्स आपको घोड़ा सराउंडिंग में चाहिए होगा। अच्छा मनु जी, आपकी सलमान खान से भी दोस्ती है और वो घोड़ों के थ्रू ही आपकी दोस्ती है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जी सलमान खान साहब एक बहुत बड़ा नाम है, मेरी दोस्ती उनसे हुई, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं प्रशांत गुंजालकर जो सलमान भाई के दोस्त हैं, उनके फैमिली मेम्बर जैसे हैं, उनके बहुत क्लोज हैं, वो हमारा सोर्स है वहाँ पे। डायरेक्टली सलमान खान साहब बहुत ही बड़े हैं और मैं ये बोलूं कि वो हमारे दोस्त हैं तो कोई खास मज़ेदार बात नहीं है। हाँ वो कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, उसको मैं बड़ा मानता हूँ। तो अगर अभी घोड़ों के बारे में बात करें, आपके पास यहाँ स्टड फार्म में सबसे महंगा घोड़ा कितने का है? एक्चुअली जी घोड़ों की कीमत थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है, मगर फिर भी आजकल घोड़े बहुत महंगे रेट पे बिकते हैं, ये भी एक फैक्ट है। मगर सभी घोड़े महंगे बिकते हों वो पॉसिबल नहीं है। आज भी कोई घोड़ों का शौक़ करना चाहता है तो घोड़ों का शौक़ आज भी 150,000 में भी हो सकता है। आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, खूबसूरती में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो सच्चे हॉर्स लवर हैं उनके लिए घोड़ा घोड़ा ही है, भले वो 54 इंचेस का कोई पोनी है या बड़ा घोड़ा है, वो आप अपनी हैसियत के हिसाब से घोड़ा खरीद सकते हैं। तो जैसे हमारे भारत देश में मेनली दो तरह के घोड़े मशहूर हैं, एक मारवाड़ी और एक काठियावाड़ी। हमारे पास यहाँ स्टड फार्म में किस तरह की ब्रीड्स हैं? एक्चुअली मेरा जो शौक हुआ जी वो हुआ मारवाड़ी घोड़ों से, तो हम लोगों के पास दोनों फार्म पे ही मारवाड़ी हॉर्सेज हैं। काठियावाड़ी एक लिमिटेड रीजन में घोड़े रहते हैं, काठियावाड़ रीजन है, उनकी हाइट थोड़ी कम होने की वजह से उसको थोड़ा एक उसकी प्रमोशन नहीं लोगों ने की, जो उसके ओनर्स हैं जो लोग ब्रीड करते हैं वो लोग उस घोड़े को अंदर अंदर अपने इनर सर्कल में ही रखना चाहते हैं, वो ये भी पसंद नहीं करते कि उनका घोड़ा कोई अदर स्टेट में बिक के जाए, इस वजह से उसकी प्रमोशन अच्छी नहीं हुई। अदरवाइज़ वो बहुत खूबसूरत घोड़ा है, छोटी हाइट का बहुत मजबूत घोड़ा है, अगर वो लोग भी उसको प्रमोट करते शायद आज उसका भी इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे मारवाड़ी की तरह नाम होता। अच्छा मनु जी, मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि भारतीय देसी घोड़ा विश्व में उसको वो ख्याति प्राप्त नहीं है, तो क्या किसी संदर्भ में भारतीय घोड़े बाहर के घोड़ों से कम है या फिर यहाँ प्रमोशन में कमी आ रही है, मार्केटिंग में कमी आ रही है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है, अगर भारतीय घोड़े के रेट की बात करोगे आप तो ये इंटरनेशनल घोड़ों के रेट में ही आता है, मगर इंडिया से बाहर किन्हीं कारणों से इसकी एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। कुछ बीमारियाँ होती हैं ताकि वो इंडिया से बाहर पूरे मुल्क के घोड़ों में ना फैल जाए, इस वजह से लोग इस घोड़े को बाहर ले जाना मुश्किल है। दूसरा, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आता था, इसकी गिनती कम थी तो इसको बाहर ले जाना इसीलिए रोक के रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि इंडियन बंदा इंडियन घोड़े के लिए जितने पैसे देता है शायद एक अंग्रेज उसको ना दे पाए, क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का घोड़ा है, हमारी देसी चीज़ है, तो इंडियन लोग ही, अभी तो इंडियन मार्केट ही पूरी नहीं आपसे हो रही तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे, अभी एक्सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया में घोड़ों के रेट बहुत ज़्यादा। बच्चों को दूर रहने की सलाह मैं इसलिए देता हूँ, ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग महंगी हॉबी है, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो अपने बच्चों को घोड़ों से ज़रूर दूर रखें, क्योंकि वो अपना सारी ज़िंदगी उनकी घोड़ों के इर्द गिर्द हो जाएगी, और फिर आप उसको रोकोगे कि तू पढ़ाई कर और उसका दिमाग घोड़े में रहेगा, पढ़ाई में नहीं रहेगा। लेकिन आपने भी तो शुरू किया था। नहीं, मेरी अपनी मजबूरी है जी, मेरी जो ढीठता है उसके पीछे मेरी दृढ़ता है
वो हर एक आदमी में हो सकता ना हो। मेरी फैमिली, लोग कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता, शौक का मूल्य एक आदमी की सारी ज़िंदगी होती है, एक आदमी की नहीं उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी होती है। आप इमेजिन करो कि मुझे घोड़ों का शौक लगा और किसी आदमी को नशे की लत लग जाए, मैं इसको नशे की लत से ही कंपेयर करता हूँ, जब आपको खाना पीना सब भूल जाए और आप एक चीज़ को सोचते रहते हो वो नशा ही होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरी बेटी को फ़र्ज करो एक शौक़ लग जाए कि उसको पहाड़ों पर चढ़ना है, तो क्या मैं उसको परस्यू थोड़ा करूँगा? कौन अपना काम का छोड़ के उसको पहाड़ों के लेके फिरेगा? तो सेम चीज़ हॉर्सेस में है, अगर आपके पास खुद के टाइम नहीं है तो अपने बच्चों को भी दूर रखें, आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है और आप बच्चे को अपने पढ़ा के कोई ऑफिसर बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो बेटर है उसको किसी अपने काम में ध्यान देने दीजिए। जब वो बड़ा हो जाएगा, वो अफोर्ड करेगा, तो वो घोड़े रख ले, अदरवाइज़ मैं इसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग मानता हूँ। दूसरी बात, आपका जो सर्कल है वो घोड़ों तक सिमट के रह जाएगा, आपको दूसरे दोस्त बुरे लगने लग जाएंगे। सोशल सर्कल, हाँ, दूसरे घोड़ों में तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, मगर नॉर्मल आदमी की लाइफ आपकी नहीं रहती, आप एक मैन से बदल के आप एक हॉर्समैन रह जाते हो। आपकी गाड़ियों में घोड़ों की लीद की स्मेल आएगी, हो सकता है चमड़े की स्मेल आए, आप में से भी लोगों को स्मेल आने लगती है घोड़ों की। सो ये एक सर्कल है घोड़े वाला, वहाँ तो आप जी सकते हो, नॉर्मल दुनिया के लिए शायद एक आप दीवाने हार्श वर्ड्स में पागल टाइप हो जाओ। अच्छा, आपने अभी तक जितने घोड़े पाले इतने सालों में, आपका सबसे बेस्ट घोड़ा, उसका नाम और उसकी हाइट? बेस्ट घोड़े तो बहुत सारे आए जी ज़िंदगी में, हाइट, मैं घोड़ों की हाइट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेता जी, मैं घोड़े के गुण देखता हूँ, खूबसूरती देखता हूँ, राइडिंग एबिलिटी देखता हूँ, क्योंकि मेरी पैशन राइडिंग से स्टार्ट हुई है। परमगिल स्टड पे हम लोगों ने बहुत घोड़े बेचे, बड़ी हाइट के घोड़े बेचे, बड़ी ब्लड लाइन के घोड़े बेचे, मगर मुझे हमेशा से छोटी मीडियम हाइट के घोड़े ही पसंद आए। और एक घोड़ा था मानक, कुछ घोड़े स्पेशल होते हैं जो आपके लिए बहुत सारा नेम एंड फेम लेके आते हैं, उस घोड़े के ऊपर मैंने राइड की 614 किलोमीटर की 12 दिन में विदाउट अ डे ब्रेक, और घोड़े को फिट रखते हुए उसको विदाउट एनी केमिकल हेल्प ने उसको देसी डाइट नॉर्मल डाइट के साथ राइड किया। क्या क्या खुराक क्या थी उस घोड़े? खुराक चने, जौ, घी, बस नॉर्मल जो रूटीन में घोड़ा खाता है। हमने उसकी प्रैक्टिस ही इतनी कराई कि वो उसने उतनी राइड को अच्छे से किया। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप राइड करते हो थर्ड डे पे जाके घोड़ों का, सभी जानवरों का लैक्टेट लेवल हाई होता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग होती है, मर जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो मानक एक यादगारी घोड़ा है। फिर उसके बाद हमारे पास घोड़ा आया मंगलवीर, जो ऑलरेडी बहुत सारी एंड्योरेंस रेसेस जीत चुका था, मगर उसके पैर में कोई प्रॉब्लम आई, वो लेम हो गया, तो वहाँ से हमें मिला, फिर मैंने उसको ठीक किया, और फिर उसके ऊपर हमने 5 लोगों ने राइड किया दोबारा विद 5 हॉर्सेज 5 राइडर्स, बरनाला टू पुष्कर सेम राइड 2012 के बाद हमने की 2019 में। ये कितने दिन में पूरी हुई? 11 दिन में, इस बार हमने एक दिन कम करके 11 दिन में किया, मगर ये बहुत हेक्टिक जॉब है, घोड़े के लिए भी आदमी के लिए भी एंड्योरेंस है, क्योंकि आपको इतनी लंबी राइड करने के लिए 8 घंटे इन सैडल टाइम है आपका, अगर 50 किलोमीटर आपको राइड करना है तो 8 घंटे मिनिमम आपको घोड़े पे बैठना है। मगर मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में इतनी बड़ी राइड दोबारा कभी नहीं करूँगा। मेरा जैसे एनिमल लवर्स को आप सोचते हो, तो मेरे अंदर का भी एनिमल लवर अब थोड़ा और तरह से सोचता है। पहले हम सोचते थे कि राइड करो, घोड़े का क्या बिगड़ता है, मगर अब मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं अपने शौक के लिए, अपने दिखावे के लिए एक घोड़े को क्यों 600 किलोमीटर चला के लेके जाऊँ। तो ये थे मनु शर्मा पंजाब से, जिन्होंने घोड़ों को एक नया स्तर दिया है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लहर के साथ जुड़े रहिए। मैं अभिदीप शर्मा, धन्यवाद।